वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इन द फिगर, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में M इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डायग्राम में हमको एक ट्राइंगल गिवन है, बड़ा वाला पी आर क्यू। इसका जो बेस है क्यू आर, इसका मिड पॉइंट है एम। तो हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आर एम का जो वैल्यू है वही वैल्यू एम क्यू का है, एंड बोथ आर इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। दोनों क्या है, हाफ ऑफ क्यू आर है। फॉर एग्जाम्पल ये 5 है तो ये भी 5 होगा, 5 प्लस 5 10 है, तो क्यू आर क्या होगा 10। ये 5 है, 5 है तो क्यू आर क्या है 10। दैट मीन्स ये दोनों क्या है, हाफ ऑफ क्यू आर। और हमको गिवन है कि पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हमने 90 का सिंबल दिया हुआ है कि एंगल पी आर क्यू 90 डिग्री है, या फिर हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि पी आर एम ये 90 डिग्री है। इन शॉर्ट एंगल आर क्या है, 90। अब एंगल आर दो ट्राइंगल में आ रहा है, एक तो ट्राइंगल पी आर एम है और दूसरा ट्राइंगल है पी आर क्यू। इन दोनों ट्राइंगल में एंगल आर आता है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। हमको प्रूव करना है पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ पी एम स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ पी आर स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन कंटेंट है वहां से स्टार्ट करेंगे हम। तो गिवन क्या था इसके अंदर, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। सो हम स्टार्ट करेंगे, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। एम क्या है, क्यू आर का मिड पॉइंट है, गिवन है हमको। सो इसके अकॉर्डिंग टू जो आर एम है वो इक्वल है एम क्यू के, एंड बोथ आर इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। ये दोनों क्या होंगे, क्यू आर के हाफ के इक्वल होंगे। हमने इसको कंसिडर कर लिया कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास देखिए दो राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है। तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में एक एक करके हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम टारगेट करते हैं जो बड़ा वाला ट्राइंगल है हमारे पास, दैट इज पी आर क्यू। सो इन ट्राइंगल पी आर क्यू एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल आर का मतलब है पी आर क्यू। ये जो 90 डिग्री है ये हमको गिवन है क्वेश्चन में कि एंगल आर का वैल्यू है 90। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस। सो पी आर क्यू इस ट्राइंगल में 90 के अपोजिट वाला साइड, दैट मीन्स पी क्यू ये होता है हाइपोटेनियस। तो क्या होगा, पी क्यू का जो स्क्वायर है इट इज इक्वल टू सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। सो रिमेनिंग टू साइड में एक है पी आर, तो हम लिखेंगे पी आर का स्क्वायर प्लस दूसरा जो साइड है वो है हमारा आर क्यू, या फिर इसको हम क्यू आर भी लिख सकते हैं। सो हम लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर लिमिट एज नंबर 2। अब हम जो स्मॉलर ट्राइंगल है, मतलब
PRM, उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. सो इन ट्राइंगल PRM, इस ट्राइंगल में भी एंगल R का वैल्यू है 90 डिग्री. एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये जो 90 डिग्री है ये हमको गिवन इक्वेशन में. पी आर क्यू का मतलब होता है एंगल आर. अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस. हाइपोटेनस क्या है? पी आर एम में 90 के अपोजिट वाला साइड है पी एम. सो इसमें हाइपोटेनियस है पी एम. सो पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. तो रिमेनिंग टू साइड में आता है पी आर और दूसरा है आर एम. सो राइट साइड में लिखा जाएगा पी आर का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर. अब देखिए हमको जो प्रूफ करना है इसमें पी एम है, पी क्यू है, एन पी आर है. तो हमारे पास देखिए पी एम पी आर है, आर एम का रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास. तो आर एम को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे या फिर रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे. तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर वन था हमारा, इसमें आर एम है. दिस आर एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर. ये क्या है? हाफ ऑफ क्यू आर है. सो हम आर एम को रिप्लेस कर सकते हैं हाफ ऑफ क्यू आर से. सो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे पी आर एज इट इज लिख लिया हमने पी आर का स्क्वायर प्लस आर एम को रिप्लेस करेंगे हाफ ऑफ क्यू आर से. सो इट इज हाफ ऑफ क्यू आर इसका स्क्वायर है. अब नेक्स्ट लाइन में कि पी आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 एंड क्यू आर का स्क्वायर. और लेफ्ट हैंड साइड में है पी एम का स्क्वायर. अब देखिए यहां पे पी एम स्क्वायर है, पी आर स्क्वायर और यहां पे है 1/4. तो इस 1/4 को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो मल्टीप्लाइंग बाय 4 से हमने क्या किया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये हो जाएगा 4 पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी आर स्क्वायर प्लस यहां पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा सिर्फ क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर. अब देखेंगे तो हमारे पास देखिए पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ पी आर पी एम स्क्वायर एंड माइनस 3 टाइम्स ऑफ पी आर स्क्वायर है. तो पी क्यू नहीं है इसमें. अगेन देखिए पी एम मिल चुका है हमको एंड पी आर है. दैट मीन्स हमको इस क्यू आर को रिप्लेस करना है कहीं ना कहीं. देखिए अब इसमें पी क्यू इंट्रोड्यूस करने के लिए जो इक्वेशन नंबर 2 है इसका हेल्प लेंगे हम लोग. पी क्यू स्क्वायर क्या है? पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर. देखिए 4 टाइम्स ऑफ पी आर स्क्वायर है, मैं इसको स्प्लिट करके लिख सकता हूं. देखिए कैसे हो गए, इसको मैंने लिख लिया 3 टाइम्स ऑफ पी आर स्क्वायर प्लस 1 टाइम पी आर स्क्वायर एंड प्लस क्यू आर स्क्वायर. इस 4 टाइम्स ऑफ पी आर स्क्वायर को हमने लिख लिया 3 टाइम प्लस 1 टाइम, ये ऑल टुगेदर होता है 4 टाइम. तो 4 टाइम्स को हमने स्प्लिट करके लिखा है. अब आप नोटिस करोगे तो लास्ट के जो 2 टर्म है
पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, वो है पी क्यू स्क्वायर के इक्वल। देखिए इसका राइट साइड है पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, विच इज पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, वो इक्वल है पी क्यू स्क्वायर के, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं पी क्यू स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स पी आर स्क्वायर प्लस, इसको रिप्लेस करेंगे पी क्यू स्क्वायर से, तो ये है पी क्यू स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड में है 4 पी एम स्क्वायर। देखिए हमको फाइंड आउट करना था पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, तो एक साइड में पी क्यू स्क्वायर रखेंगे और बाकी जो टर्म्स है उसको दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 4 पी एम स्क्वायर, इस 3 पी आर स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस, राइट साइड में प्लस है तो लेफ्ट साइड में आके हो जाएगा माइनस, तो इट इज माइनस 3 पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो पी क्यू स्क्वायर राइट साइड में जो है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूं, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ पी एम स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ पी आर स्क्वायर। ये जो रिक्वायर्ड टर्म था, देखिए पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ पी एम स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ पी आर स्क्वायर, वही है लेफ्ट हैंड साइड में है पी क्यू स्क्वायर, राइट साइड में है 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। सो हेंस इट इज प्रूव्ड। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अरे मोटू, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की सूचना मिले।